मुंगेली के ग्रामीण इलाका में लगातार होवत मूर्ति टोरे के घटना आघो आए है। पाछू कुछ समय ले हनुमान जी के मूर्ति ला असामाजिक तत्व मन के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाते, जल ले के ग्रामीण मन में खासा आक्रोश देखे जाते। देखो रिपोर्ट। मुंगेली जिला के ग्राम पंचायत बोदा में लगातार असामाजिक तत्व मन के द्वारा मूर्ति टोरे के घटना ला अंजाम दिए जाते। सुनसान इलाका में स्थित मंदिर में अज्ञात व्यक्ति घुस के भगवान के मूर्ति ला नुकसान पहुंचावत है, फिर मूर्ति ला टोर फोर के बाहर फेंक दिए गए है। घटना के बाद लोगन पुलिस में शिकायत करें, फिर पुलिस प्रशासन के तरफ ले मामला में ठोस कार्रवाई नहीं हो ले ग्रामीण मन परेशान है। तालाब किनारे दो मंदिर हैं, उसमें हनुमान जी की मूर्ति थी। दोनों मंदिरों में एक मंदिर में दो मूर्ति थी, एक मंदिर में एक मूर्ति थी। तो जैसे ही सुबह ग्रामीण वाले जब परसों रात कल सुबह जब वहाँ गए तालाब, तो उन्होंने देखा कि परसों रात को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। और फिर जब सुबह जब ग्रामीणों को पता चला तो पुलिस वालों को सूचना दी गई, वो लोग आए। आस पास और भी गांव वाले भी आए और धार्मिक संगठन वाले भी आए, उनके द्वारा फिर और FIR दर्ज करवाई गई। उसके बाद फिर पुलिस के आला अधिकारी भी आए थे दोपहर में। पुलिस जांच में जुटी है, उनके द्वारा अभी तक आगे की रिपोर्ट नहीं मिल पाया है। और बाकी सब हम लोग चाहते हैं कि सब हिंदू धर्म जो आस्था से जो खिलवाड़ हुआ है उसके लिए उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। टूटे फूटे मूर्ति के टुकड़ा ला फॉरेंसिक टीम वाले मन ले गए हैं। उन्हें गांव वाले मन के कहना है कि हिंदू धर्म के आस्था के साथ जिन खिलवाड़ हो है ओमा जल्द से जल्द कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। ना जो है ना मूर्ति तोड़ने का घटना ये है, 28 तारीख को रात्रि में कोई अज्ञात असामाजिक तत्व के द्वारा ये हनुमान मंदिर तोड़ा गया है। और ये मंदिर लगभग 18-19 साल पुराना है। ये गांव के ही श्री दुकालाराम साहू के द्वारा एक हनुमान जी निर्मित थे, मतलब स्थापित किया गया था। एक और था शुक्ला साहू के द्वारा, दो मंदिर था ये। और रात में ये मंदिर से बाहर मूर्ति निकाल के पत्थर से इसको तोड़ा गया है। तो पुलिस जांच में जुट चुकी है जी। पुलिस और जो हमारे क्षेत्रीय जो है थाना वहाँ के TI SP सर आए थे, लोग आके जांच भी किए हैं। बाहर से डॉग स्क्वाड भी लेके आए हैं, फॉरेंसिक टीम भी आई थी और आश्वासन दिए कि बहुत जल्दी वो जो भी ये कृत्य किया है उसको धर पहुँचेंगे। अब देखे वाला बात ये हुई कि पुलिस कब तक ये असामाजिक तत्व मन के पता लगा पाते। मुंगेली ले डिजिटल रिपोर्टर शुभम देवांगन के रिपोर्ट।